छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर सियासत गर्मा गई है, जिसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष शिक्षक नियुक्ति और बेरोजगारी को लेकर एक दूसरे पर निशाना साधने और आरोप प्रत्यारोप लगाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने शिक्षक नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार पर सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस संचार विभाग और पाठ्यपुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने नेता प्रतिपक्ष को पिछले 15 साल में रमन सरकार में कितनी नियुक्तियां हुई उसकी याद दिलाते हुए निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार को अब तक 20 महीने हो चुके हैं, बावजूद इसके रोजगार के क्षेत्र में युवाओं को बेरोजगारी से मुक्त कराने और छत्तीसगढ़ सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं, और इसी वजह से आज ये युवा इतने आक्रोशित हैं और आक्रोश की वजह से सड़कों पर उतर आए हैं। पूरे प्रदेश के जिनका चयनित हुआ है शिक्षकों के लिए, ऐसे युवाओं के द्वारा जो अपनी मांग रखी गई है कि हमको नियुक्ति आदेश जारी किया जाए, पिछले 2019 मार्च में वैकेंसी जारी की गई थी 14,500 पदों के लिए, और उसके बाद में उसकी लिखित परीक्षा हुई, उसके बाद में उनका साक्षात्कार हुआ, दस्तावेज का सत्यापन हो गया, केवल नियुक्ति आदेश जारी किया जाना है। इस बात को लेकर के अवधि निकल गई, अभी सरकार के द्वारा उसको 1 साल के अवधि बढ़ाया गया, ये सरासर युवाओं के साथ में अन्याय है। शिक्षक नियुक्ति के मामले में भारतीय जनता पार्टी अवसरवादिता की राजनीति कर रही है। 15 वर्ष के भाजपा के शासनकाल में 45,000 शिक्षकों के पद खाली रहे, एक शिक्षक की नियुक्ति 15 साल तक भाजपा ने नहीं की। कांग्रेस की सरकार ने शिक्षकों के पद विज्ञापित किए हैं, लेकिन कोरोना महामारी के कारण पूरे देश के स्कूल बंद हैं। ऐसे समय भारतीय जनता पार्टी स्कूल शिक्षक नियुक्ति के मामले में जो राजनीति कर रही है वह बेहद दुखद है, राज्य के हितों के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी स्वयं जवाब दे कि उसने अपने कार्यकाल में नियुक्ति क्यों नहीं की, और कांग्रेस सरकार तो नियुक्ति कर रही है लेकिन कोरोना के संकट के कारण अगर नियुक्तियां रुकी हुई हैं, स्कूल नहीं खुल पाए हैं, भाजपा की केंद्र सरकार के निर्देश से नहीं खुल पाए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस मामले में राजनीति करना बहुत ही दुखद और राज्य के हितों के खिलाफ है।